टाइम्स में जा देखने वाले तमाम प्यारे प्यारे दर्शकों को वेलकम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ शिप्रा, लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूं। आप भी जल्दी से आके लाइव जुड़ जाइए मेरे साथ। आजकल के जनरेशन की अगर हम बात करें तो वो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। नो डाउट दे आर वेरी एम्बिशियस, दे आर वेरी ब्रेनी, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज दिया है ध्रुव कपिला ने, जो थॉमस कप जीत कर आए हैं बैंकॉक से, और वो स्टूडेंट रह चुके हैं बीसीएम शास्त्री नगर के। अगर हम बीसीएम शास्त्री नगर लुधियाना की बात करें तो बीसीएम स्कूल से इतने स्टूडेंट्स निकले हैं जिन्होंने वर्ल्ड वाइड इस स्कूल को, लुधियाना सिटी को बहुत ज्यादा प्राउड फील करवाया है। एक बार मैं चाहूंगी आप पीछे देख सकते हैं, स्कूल की अचीवमेंट्स आप देख सकते हैं, और बिल्कुल भी टाइम वेस्ट न करते हुए हम आपको मिलवाएंगे बीसीएम शास्त्री नगर स्कूल की प्रिंसिपल मैम से, मिसेस परमजीत कौर। हाँ जी मैम, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका टाइम्स पंजाब टीवी में। मैम सबसे पहले पूछना चाहेंगे आपकी जो जर्नी एज अ प्रिंसिपल रही, उससे पहले भी आप बीसीएम के साथ जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में पूछना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। मेरी एक जर्नी बहुत ही मेमोरेबल रही। यहाँ मैं पहले 10 साल पीजीटी केमिस्ट्री मैंने काम किया, उसके बाद राइट फ्रॉम 1 जनवरी 2000, दैट्स बीन मोर देन 2 decades नाउ, आई हैव बीन द प्रिंसिपल। और मैं सिर्फ एक नटशेल में ये कहना चाहूँगी दैट ड्यूरिंग दिस टाइम आई हैव ग्रोन विद द स्कूल एंड द स्कूल हैज़ ग्रोन विद मी। इट्स बीन अ वंडरफुल, मेमोरेबल, अमेजिंग जर्नी। तो मैम बीसीएम की बात करें तो आज बीसीएम स्कूल शास्त्री नगर की स्पेशली जो ब्रांच है वहाँ पे एडमिशन्स लेने के लिए ना हर एक पेरेंट लाइन लगा के रहते हैं कि फटाफट हमारे बच्चे को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, लेकिन इतने सेक्शंस होने के बाद भी सीट नहीं होती, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये सच्ची बात, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एडमिशन इज रियली एन इशू। और आप तो कह रहे हैं कि वहाँ बाहर लाइन लगी होती है एडमिशन के लिए, हमें इस एंड पे हमें भी बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू रिजेक्ट अ चाइल्ड। मेरे लिए तो बच्चे सारे बराबर हैं, और मुझे लगता है मैं सारे बच्चों को ले लूँ, सब बच्चे, पता नहीं कल किसने आइंस्टाइन बनना है, किसने नाम कमाना है, तो क्यों मैं बच्चे रिजेक्ट करूँ? बट देन लिमिटेशंस हैं, वी हैव लिमिटेड सीट्स, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। मन बिल्कुल नहीं करता रिजेक्ट करने का, बट वी आर हेल्पलेस। बिल्कुल मैम, अगर यहाँ की अचीवमेंट्स की बात करें तो इतनी सारी, हम आपके ऑफिस में बैठे हैं, हमने बैक में भी अचीवमेंट दिखाई, सामने भी इतने सारे मैम मेडल्स हैं, सामने इतने सारी शील्ड्स हमें दिख रही हैं, इतने सारे सर्टिफिकेट्स दिख रहे हैं, तो इसके बारे में पूछना चाहेंगे कि स्कूल ने इतने सालों में जो अचीव किया है तो उसमें कितने एफर्ट्स टीचर्स के रहे हैं स्पेशली? बिल्कुल, मैं ये मानू, अगर आप जो मेरे ऑफिस में ट्रॉफीज और सर्टिफिकेट देख रहे हैं, इट जस्ट अ स्मॉल पोर्शन, बिकॉज और इतनी ट्रॉफीज होती है, मैं बांटती रहती हूँ अपने सुपरवाइजर्स के ऑफिस में, अपने कोऑर्डिनेटर्स के ऑफिस में भेजती रहती हूँ, क्योंकि यहीं ना रश लग जाए। पर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑब्वियसली द फॉरमोस्ट थिंग इज द चिल्ड्रन, उनका एंथुजियाज्म, उनका स्टेमिना, उनकी जील, दैट इज रियली रियली अमेजिंग एंड वर्थ मैंशनिंग। उसके बाद टीचर्स उन पर हेल्प करते हैं, टीचर्स उन पर मेहनत करते हैं कि ये बच्चा आगे निकले, और बड़े डेडिकेटेडली वर्क करते हैं, ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, खुद लग जाते हैं। अगर बच्चा किसी कंपटीशन में फर्स्ट आया तो बच्चे से ज़्यादा खुशी उस टीचर को होती है जिसने उसको प्रिपेयर किया। और ऑब्वियसली पेरेंट्स का रोल भी, मैं उनको भी नहीं करूँगी, पेरेंट्स का रोल भी बहुत होता है। सो इट इज़ यू कैन से अ सर्कल विच इज़ कम्प्लीटेड व्हेन इट इज़ द स्टूडेंट, इट इज़ द टीचर, इट्स द पेरेंट्स, एंड ऑब्वियसली द रिसोर्सेज टू बी प्रोवाइडेड टू देम। तो ये सारा कुछ मिला के कोई चीज़ बनती है, सबके एफर्ट्स लगे। डेफिनेटली बहुत अच्छी बात की आपने कि पेरेंट्स की सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है। मैम अगर यहाँ के स्टूडेंट्स की बात करें तो इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो वर्ल्ड वाइड और प्राउड फील करवा रहे हैं अपनी फैमिली को भी, बीसीएम स्कूल को, लुधियाना को। तो मैम अभी रिसेंटली हमने देखा कि आपके स्कूल के एक स्टूडेंट ध्रुव कपिला, जो काफी टाइम से स्पोर्ट्स में है, लेकिन अब वो थॉमस कप जीत के बैडमिंटन के लिए गोल्ड मेडल लेकर आए हैं, हमारे इंडिया को प्राउड फील करवाया है, आगे वो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो मैम उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके के स्टूडेंट रह चुके हैं ध्रुव? ध्रुव वॉज अ वेरी नाइस स्टूडेंट, बड़ा हम्बल, डाउन टू अर्थ, सॉफ्ट स्पोकन, हमने इसको कभी ऊंची बोलते नहीं देखा, चुपचाप अपना काम, काम से मतलब वेरी फोकस्ड। और ऐसे बच्चे हमें पता होता है कहीं ना कहीं ये निकलेंगे जरूर, तो और हम तो सब बच्चों पे मेहनत करते हैं, और ये बच्चे जो ये ज़्यादा फोकस्ड होते हैं और जिनको पता है कि मुझे कुछ आगे जाके करना है,
तो वो निकल जाते हैं अपनी फील्ड में। हमारी कोऑपरेशन तो सबको ही रहती है, और जब ये बच्चे ऐसे बाहर निकलते हैं अपना नाम कमाते, अपने लिए तो नाम कमाते ही हैं, एट द सेम टाइम दे मेक अस फील प्राउड, दे मेक देयर पेरेंट्स फील प्राउड, और हम टीचर्स के लिए बच्चे तो आगे निकल जाते हैं। वो ये जो बच्चे अचीवमेंट्स करते हैं ये हमारे मेडल्स होते हैं, बस यही मेडल हम लोग पहन के घूमते हैं। स्वीट। तो मैम, 3 days back हमने ध्रुव कपिला की पर्सनल कवरेज की, तो हमने उनसे यही क्वेश्चन पुट किया कि आप 10 years के थे तो आप चले गए, आपने एकेडमी ज्वाइन कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं स्कूल में आपकी स्टडीज कैसे मैनेज होती थी। तो ध्रुव ने बताया कि स्कूल की मैनेजमेंट इतनी सपोर्टिव रही उनके साथ कि उन्हें बस एग्जाम देने आना होता था और ऑनलाइन उनकी स्टडीज कंटिन्यू रहती थी, तो फुल सपोर्ट रहा स्कूल मैनेजमेंट का, तो बहुत अच्छी बात है ये। यस, डेफिनेटली ऐसे बच्चे हम सपोर्ट जरूर करते हैं। हमने कहा आप पढ़ाई करो, बुक्स नोट्स सब उसके लिए रेडीमेड मिलता था, और लेकिन एग्जाम में आपने बैठना और फिजिकल एग्जामिनेशन देना, आपको इधर आना पड़ेगा, और वो आता था बच्चा एग्ज़ाम देके सारा कुछ, और हम तसल्ली और जहाँ पे उसकी वीकनेसेस थी वो बताते थे। और ये मैं इस ध्रुव के पेरेंट्स को भी अप्रिशिएट करती हूँ कि उनकी भी बहुत एफर्ट्स थी बच्चे को छोड़ के आना, बच्चे को लेके आना, टाइम पे लेके आना, एग्ज़ाम दिलवाने। एक बार तो हमने ये भी कहा कि बच्चा जहाँ ट्रेनिंग ले रहा है वही लोकल स्कूल में आप चाहे चले जाओ, वहाँ एडमिशन करा लो, इट विल बी ईजियर फॉर हिम। दे सेड वी डोंट वॉन्ट टू लीव बी सी एम, वहाँ जाएगा लेकिन पढ़ने इधर ही आएगा। So we cooperated and not only me but my teachers and everyone, और कभी इसका जब शेड्यूल, क्योंकि he had a very tight schedule there और exams dates did not match with his schedule, तो वो अपने हिसाब से आता था तो हम लोग अपना टाइम निकालते थे इसके लिए। बिल्कुल, अब ध्रुव के पास टाइम नहीं बट ध्रुव ने हमें यही बताया कि वो BCM में जाके ग्रैंड सेलिब्रेशन जरूर करना चाहेंगे। अभी तो वो इस टाइम शायद बाहर जा चुके हैं, लेकिन उनका यही कहना कि BCM में जाके वो सारी टीचर्स के साथ और प्रिंसिपल मैम के साथ एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करना चाहेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। जब वो आए हमारे पास तो हम लोग डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे। हमारे बच्चे जो अब प्रेजेंट हैं दे वुड एंजॉय व्हेन ही इज हियर, सो वी आर ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। बिल्कुल मैम, और भी काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, आज भी एक मोंगिया है, सक्षम वर्मा, काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो BCM से निकल के आज बहुत ज्यादा नाम रोशन कर रहे हैं देश का। तो मैम, ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जो BCM में बच्चे अपने आप को इतना मोटिवेट फील करते हैं, उनको लगता है कि जो हमारे टीचर्स हैं वो हमें हर चीज में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैम, डेफिनेटली आपका एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि टीचर्स के साथ जब आप मीटिंग करते हैं तो आप किस तरीके से उनके साथ डील करते हैं, किस तरीके से आप उनको समझाते हैं कि स्टूडेंट्स के साथ कैसे बैलेंस रखना है, स्टडी लाइन को भी और एकेडमिक्स तो जो स्पोर्ट्स लेवल है उनको भी। देखो ऐसे है, जब ये बच्चे अच्छा अच्छा करते हैं, कहीं भी अच्छा करते हैं, तो हालांकि प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे पास बिकॉज टीचर्स वॉन्ट देयर सब्जेक्ट टू बी द बेस्ट। वो कहेंगे इसमें मैम ये अच्छा नहीं कर रहा, इसको ये हो गया वो हो गया, पर लेकिन आई सी द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल कि ये बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा है। क्या बात हो गई अगर इकोनॉमिक्स में थोड़े नंबर कम आ गए, फिजिक्स में थोड़े नंबर कम आ गए, दैट रियली डजेंट मेक अ डिफरेंस। और जो बच्चे किसी फील्ड में एक्सेल कर रहे होते हैं, दिमाग उनका पूरा होता है, लेकिन वो टाइम नहीं दे पाते, वो टीचर्स कभी कभी उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते, बट देन आई प्ले दैट रोल ऑफ यू नो कीपिंग अ बैलेंस। इधर रहा गेम को नहीं सफ़र होने देना, एट द सेम टाइम स्टडीज़ को भी सफ़र नहीं होने देना, बिकॉज एट द एंड ऑफ दैट बच्चे कम से कम स्कूल तो पास किया हो, जो भी कोई आप किसी गेम में जा रहे हो वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए वो बच्चे दे फील गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट वॉट एवर इज देयर वी विल डेफिनेटली गेट अ सपोर्ट फ्रॉम द स्कूल। तो ये बैलेंस रखना आई थिंक किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर को, किसी भी हेड को बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी, बिकॉज टीचर्स सी इट फ्रॉम वन एंगल, यू हैव टू सी इट फ्रॉम अनदर एंगल, सो दैट मेक्स द डिफरेंस। मैम, एक चीज और, जैसे हमने स्टार्टिंग में बताया कि आजकल की जनरेशन की बात करें तो वो रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है, बहुत ब्रेनी है आजकल के बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट है। अगर 40-45 की स्ट्रेंथ है एक सेक्शन में, तो आई थिंक 30-40 स्टूडेंट इतने टैलेंटेड है कि उनको कंपेयर करना डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैम, आप किस तरीके से सारी चीजों को मैनेज करते हैं, क्योंकि अगर हम BCM की स्ट्रेंथ देखें अराउंड 10,000 से ज्यादा बच्चे इस टाइम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर निकल के आज एक अलग सा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो मैम सबको बैलेंस करना, सब चीजों को बैलेंस करना, आप पूरे तरीके से तैयार रहते हैं?
देखो ऐसे है, जैसे अगर आप कह रहे हो कि बच्चे रॉकेट की स्पीड से जा रहे हैं, तो हमें टीचर्स को भी रॉकेट की स्पीड से चलाना पड़ता है। तो बिल्कुल उनकी ट्रेनिंग्स, उनकी वर्कशॉप्स, उनके यू नो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स, इस पे खास ध्यान रखा जाता है कि हम टीचर्स को ये बताते हैं कि हाँ, यू आर नॉट यू नो जस्ट डीलिंग विद चिल्ड्रन, दे आर लाइव वायर्स। तो लाइव वायर्स को हैंडल करने के लिए आपको खुद भी उतना ही एम्पावर्ड होना चाहिए। तो इस बात की बड़ी वो रखी जाती है, हम लोग इसको मद्देनज़र रखते हैं और इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। और मैं अपनी मैनेजमेंट के विज़न को भी थैंक करूंगी कि वो कभी भी हिचकिचाते नहीं है इस बात से कि हमने टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए कहीं भेजना है या उनकी ट्रेनिंग यहाँ इन हाउस करवानी है, तो वो कभी मना नहीं करते। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग विच कीप्स अस गोइंग। बिल्कुल मैम, एक बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हमने कई पेरेंट्स के ट्वीट पढ़े हैं जिनमें यह कहना है आपके लिए स्पेशली कि प्रिंसिपल मैम जो है BCM स्कूल शास्त्री नगर के, वो कहते हैं कि हर साल जो बोर्ड के रिजल्ट्स आते हैं 10th के 12th के, तो मुझे हाई लेवल मतलब रिकॉर्ड चाहिए एक स्टूडेंट का। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स कहते हैं कि हम चाहते हैं हमारे बच्चों के लिए स्पोर्ट्स पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए स्कूल में, एंड जो एक्टिविटीज होती हैं एक्स्ट्रा करिकुलर उसमें भी बहुत ज्यादा फोकस होना चाहिए। तो आपको लगता है इन चीजों को और ज्यादा हम आगे वो कर सकते हैं, क्योंकि अब जिस तरीके से हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है तो भगवंत मान जी ने भी कह दिया कि स्पोर्ट्स को बहुत ज्यादा अहमियत मिलनी चाहिए स्कूल्स में स्पेशली। तो आपको लगता है और ज्यादा इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए? डेफिनेटली हम लोग स्पोर्ट्स को बहुत ध्यान दें। हमारी मॉर्निंग अलग, बिफोर स्कूल क्लासेस लगती है, आफ्टर स्कूल क्लासेस चलती है, इवनिंग में हमारी अलग से स्पोर्ट्स क्लासेस होती हैं। सो इसको अहमियत दी जाती है, तभी ये बच्चे निकल के, ये तो अब हमारा एक ध्रुव कपिला ने नाम इंडिया लेवल पे कर दिया, अदरवाइज आज चिल्ड्रन आर पार्टिसिपेटिंग इन स्टेट लेवल तो बहुत होते हैं, फिर नेशनल लेवल तक जाते हैं और नेशनल लेवल के प्लेयर्स हमारी गिनती बढ़ती रहती है। जैसे आप अभी कह रहे हो कि मैडम कहते हैं कि हर बार थोड़ा रिकॉर्ड हो इसमें एकेडमिक्स में, इन स्पोर्ट्स ऑल्सो वी हैव आर दिस थिंग कि यू हैव टू अचीव मोर देन वॉट यू डिड लास्ट ईयर। तो ये एक इनका यू नो यार्ड स्टिक बढ़ती रहती है, दैट्स गुड, कीप्स एवरी वन ऑन द टोज, नॉट द चिल्ड्रन, नॉट ओनली द चिल्ड्रन बट ऑल्सो द टीचर्स एंड इवन मी। और मुझे कभी कभी लगता है ये बॉल ज़्यादा तेज भागने लगी है तो मुझे भी उस हिसाब से चलना पड़ता है। सो आई थिंक इट्स दैट विशियस सर्कल विच कीप्स एवरीवन मोटिवेटेड। बिल्कुल मैम, आपके हेक्टिक स्केड्यूल में से सिर्फ लास्ट दो क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन ये कि मैम जिस तरीके से हम अपने घर में भी देखते हैं कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते जा रहे हैं, वो टीचर्स के साथ भी कई समटाइम्स अब्यूज वर्ड यूज़ करते हैं, पेरेंट्स के साथ भी करते हैं, तो आपको लगता है स्पेशली एक लेक्चर जो है 40-45 मिनट्स का सिर्फ इस चीज़ का ज़रूर होना चाहिए जो बच्चों को ये पढ़ाया जाए कि अपने पेरेंट्स के साथ अपने टीचर्स के साथ किस तरीके से बात करनी चाहिए, क्योंकि एग्रेसिवनेस बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है? बहुत ज़्यादा, आई फुली एग्री विद यू। और ख़ासकर ये पेंडेमिक के टाइम बच्चों में जो बदलाव आया है वो हम खुद देख के हैरान है कि बच्चे एक बड़े सब्ड्यूड हो गए, उनकी जो सोशल स्किल, ये जो हम कहते हैं ना सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होनी चाहिए थी, इट वाज अ फिजिकल डिस्टेंस दैट वाज टू बी केप्ट। सोशली तो वी हैव टू बी कनेक्टेड टू ईच अदर। अब वो जब स्कूल में आ रहे हैं दे फील सो ऑकवर्ड व्हेन दे आर सिटिंग विद इन द क्लास, दे व्हेन दे हैव टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, सोशल स्किल्स बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। और वो घर में रह रहे के यू नेवर नो व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस द चिल्ड्रन हैव बीन इन, फ्रस्ट्रेशन हुई होगी कि हमें इस घर में बंद रहना पड़ गया, कहीं कोई बहुत लॉस हुआ होगा, दैट डेवस्टेशन, एवरीथिंग हैज बीन पाइल्ड अप। और हम इस चीज़ पे खास ध्यान भी दे रहे हैं कि ये जो बच्चे अब हमारे पास आए हैं इन पे हमें सिर्फ एकेडमिक्स के लिए नहीं काम करना, अदर स्किल्स आर ऑल्सो टू बी एडेड। तो उस पर मेहनत कर रहे हैं, टाइम लगेगा। और मैं पेरेंट्स को भी ये कहती हूँ कि देखो ये 2 साल बच्चे आपके पास रहे और 2 साल में आपने उनको इस लेवल पे डाल दिया कि हमें डबल मेहनत करनी पड़ रही है, सीरियसली। सो द लॉस हैज बीन फॉर द एंटायर सोसाइटी और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको वापस अपने सेट पे लेके आए। बिल्कुल मैम, अपनी टीम की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट ही करना चाहेंगे कि एक लेक्चर डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर ज़रूर होना चाहिए कि बच्चों को समझाया जाए कि किस तरीके से अपने पेरेंट्स के साथ अपने टीचर्स के साथ डील करना है। डेफिनेटली डेफिनेटली ये आई विल कीप दिस इन माइंड एंड हम ये सेशंस ज़रूर ऑर्गेनाइज करेंगे
एंड मे बी आई विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड माई ओन ऑल माई दीज काउंसलर्स एंड टीचर्स वुड डेफिनेटली टेक केयर ऑफ मैम. जाते जाते हम चाहते हैं जो यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं जिनके पेरेंट्स हैं वो प्राउड फील करते हैं कि हमारा बच्चा BCM शास्त्री नगर में पढ़ता है. इवन अगर पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मेरी डॉटर भी इसी स्कूल में है. तो मैं चाहती हूँ उन सारे पेरेंट्स को आप एक क्या एक मैसेज डिलीवर करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि पेरेंट्स की सपोर्ट भी बच्चों के साथ हमेशा होना जरूरी है, और एक स्पेशल थैंक्स ध्रुव कपिला के लिए भी हम चाहेंगे कि आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, इतना प्राउड फील करवाया उन्होंने BCM को. देखो जो आप पहले पेरेंट्स के लिए कह रहे हो, पेरेंट्स के लिए तो मेरा मैसेज यही होगा दैट फॉर होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, यू नो बिल्कुल जो हम कहते हैं ऑलराउंडेड पर्सनैलिटी डेवलप जो बच्चों की करनी है, उसके लिए द स्कूल एंड द पेरेंट्स हैव टू वॉक हैंड एंड हैंड. Whatever is done in school has to be complemented at home. तो तभी वो बच्चा एक अच्छा इंसान बन के निकलेगा. So we have to walk hand in hand and we have to start trusting each other. Whatever we are doing in the interest of the child. The parents have to understand that and move accordingly. So this is my humble request to the parents to keep the school in the loop and work hand in hand. और ध्रुव कपिला के लिए तो मेरा मैसेज ये होगा कि थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस ऑल प्राउड एंड वी लुक फॉरवर्ड टू यू गोइंग फॉर द ओलंपिक्स एंड मेकिंग अस प्राउड वंस अगेन, नॉट ओनली अस बट द एंटायर कंट्री. ऑल द बेस्ट टू यू ध्रुव फॉर डूइंग बेटर इन योर करियर. वाओ मैम, थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम. तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ लुधियाना BCM शास्त्री नगर के प्रिंसिपल मैम मिसेस परमजीत कौर, जिन्होंने बहुत अच्छा एक थैंक्स गिविंग मैसेज दिया सारे पेरेंट्स को और कॉन्ग्रेचुलेट किया ध्रुव कपिला को, उनके एंटायर फैमिली को, जिन्होंने अभी हमारे इंडिया को प्राउड फील करवाया है और उन्होंने ओलंपिक्स के लिए भी ध्रुव कपिला को ऑल द बेस्ट बोला है. और मैम ने एक मैसेज बहुत अच्छा डिलीवर किया है कि जल्द से जल्द BCM स्कूल में एक सेशन जरूर स्टार्ट होगा स्पेशली बच्चों के लिए. कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जो बच्चों में एग्रेसिवनेस बढ़ती जा रही है उसको रोकने के लिए और बच्चों को एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो सेशन जल्द से जल्द BCM की तरफ से स्टार्ट होगा. थैंक यू सो मच कैमरामैन बॉबी के साथ शिप्रा पसरीजा, टाइम्स पंजाब TV.